एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का जो चैप्टर है हिस्ट्री का, पहला चैप्टर का नाम है ईंटें, मन के तथा अस्थियाँ। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर है ये। इतना इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। मेरा इस पर मन भी नहीं किया कि इस पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं इसे पढ़ रहा था उस दिन में, तो सब सारी चीज़ बहुत ईजी लगी मुझे तो। लेकिन फिर भी आज मैंने ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया। मैं इसमें कुछ खास आपको बताऊंगा नहीं, इसमें मैं बस तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जिसमें क्या होगा उस बेसिक चीज़ों से आपको ये पता लग जाएगा कि पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या कवर करेंगे, हड़प्पा सभ्यता कैसे आई, क्या था इसके बारे में, एक एक चीज़ आपको पता लग जाएगी इसमें। और जो इसका पार्ट टू लेके आऊँगा, उसमें मैं लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के हमें आंसर कैसे लिखना है, ये सारा चीज़ सारी चीज़ें जो मैं आपको वहाँ से बता दूंगा। दोस्तों, पहला वीडियो है मेरा पॉलिटिकल साइंस की। मैं इससे पहले वीडियो मैंने काफ़ी बनाई थी, हालांकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पहले भी और आज भी, लेकिन फिर भी मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे पसंद था, लेकिन इसमें क्या था कि मैं इसे पढ़ाता नहीं था। तो आज मैंने कोशिश की है कि आज, क्योंकि मैं इसे पढ़ाते हुए इन्जॉय करूँगा और मुझे अच्छा लगेगा ये चैप्टर मेरा, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था किसी टाइम पे। अक्सर बच्चे हिस्ट्री पढ़ के सो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं सोता था। तो आज मैं शुरू करता हूँ अपना ये पहला टॉपिक। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो हमारा टॉपिक है पहला, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम इसका बेसिक जानते हैं कि है क्या हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है, ऐसा माना जाता था पहले कि ये दुनिया में, ये जैसे मिस्र की वो हम मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ते हैं या किसी और सभ्यता को पढ़ते हैं, हमें लगता था आज तक कि वो सबसे ज़्यादा प्राचीन सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन बाद में जब पता लगा, तो पता लगा कि भाई इनसे भी प्राचीन कोई सभ्यता रही है, और जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसकी खोज कैसे हुई? खोज इसकी दोस्तों ऐसे हुई थी कि एक बार क्या हुआ था कि ये खुदाई खनन का, उत्खनन का काम चल रहा था, तो उसमें कुछ चीज़ें निकली थी, ऐसी चीज़ें निकली जिसे देखकर मतलब ये लगा कि इससे पहले, मतलब यहाँ पे कभी कोई, आज से हजारों लाखों हजारों साल पहले कभी कोई सभ्यता रही होगी, तो उस हिसाब से इसके बारे में जानकारी मिली थी। तो मैं आपको ये लेता हूँ सबसे पहला टॉपिक कि क्या है हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता पे ये पूरा चैप्टर है। तो ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका जो रखा गया वो कार्यकाल रखा गया, टाइम रखा गया, समय। और हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों, इसमें क्या है कि हाँ, हड़प्पा नामक जो जगह है पाकिस्तान में, फिलहाल हड़प्पा, चौहंदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये जो जगह है ये सारी आज के टाइम पे पाकिस्तान में, लेकिन उस टाइम पे तो भाई भारत में होता था, क्योंकि देश का विभाजन थोड़ी ना था पहले। पहले तो पूरा भारत ही होता था, वो पाकिस्तान वगैरह सब कुछ मिला के, तो इसीलिए हमारे देश की सभ्यताएं थी। और हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा शहर जो है, यहाँ पे सबसे पहले खोजी गई थी ये सभ्यता, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। अब इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इंडस वैली। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो दोनों सभ्यताएं एक ही है। हड़प्पा उसका नाम इसलिए है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी। सिंधु सभ्यता इसका नाम इसलिए क्योंकि उस सिंधु नदी घाटी में फैली हुई सभ्यता थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे, सब कुछ मेन मेन चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, देखते हैं। सब ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें जो दो केंद्र थे वो मेन थे। जो मेन केंद्र थे वो कौन से थे? एक तो हड़प्पा हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है, एक हड़प्पा और दूसरा क्या है, मोहनजोदड़ो रखना है। और फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो इसकी खोज हुई है, इसकी खोज कब हुई थी? तो 1921-22 में इसकी खोज हुई थी। दो भारतीय ने, भारतीय जो थे उन्होंने इसके लिए काम करा था। एक तो थे दयाराम साहनी, इनको मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूँ, ये हो जाएंगे हमारे दयाराम साहनी, और दूसरे हो जाएंगे रखालदास बनर्जी, आरडी बनर्जी। तो इन दोनों ने इसके लिए काम करा, और किसके नेतृत्व में काम किया, तो वो इन्होंने इनके नेतृत्व में काम किया, यानी जॉन मोर्सल। तो इन तीन जनों ने मिलकर काम किया था, यानी इस काम की ये जो खुदाई वगैरह हो रही थी उसके ये इंचार्ज थे, और इनके अंडर में इन दोनों लोगों ने काम किया था, और इसकी खोज वगैरह हुई थी। जानकारी अगर हम बोलें कि हड़प्पा सभ्यता से हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, उस क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि भाई उसकी जो लिपि है, जो उसकी लिपि है वो चित्रात्मक लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, और हम अंदाजे पे ही चलते हैं सारा, क्योंकि अंदाजा लगाया गया है वहाँ पे मिले हुए वस्तुओं से, खुदाई में मिली इमारतें, जैसे कि कुछ इमारतें मिली हैं, मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, कुछ औजार मिले हैं, कुछ आभूषण मिले हैं, कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, ईंटें मिली हैं, तो कई तरह की चीज़ें जो हमें इसकी यहाँ से खुदाई में मिली थी। तो उसके आधार पे हम एक अंदाज़ा लगाते हैं और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। फिर इसमें ये देखेंगे दोस्तों कि कुछ जो स्थल है,
यानी कहाँ कहाँ पे फैली थी, कैसे कैसे, कौन कौन सी जगह थी, कुछ स्थलों के नाम हमें याद रखने। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं तुम्हें मैप जब बताऊँगा, मैं सोच रहा हूँ कि इसी के साथ मैं आपको मैप कवर करवा दूँ और मैप में आपको सारी चीज़ें सिखा देता हूँ। तो उससे पहले क्या है, ये हम देखते हैं कि प्रमुख स्थल कौन से हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रखे हैं, मैंने ये ब्लू कलर से लिख रखे हैं, नागेश्वर, बालाकोट, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगन, राखी गढ़ी। तो ये कुछ जो मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाए हैं, ये सारे इसकी जगह थी। लेकिन आज वर्तमान में ये किस जगह पे हैं ये भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं सबके नाम पढ़ देता हूँ। नागेश्वर हो जाएगा, बालाकोट हो जाएगा, चहुंदड़ो हो जाएगा, कोट दीजी हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, कालीबंगन हो जाएगा, बनावली हो जाएगा, राखी गढ़ी हो जाएगा। तो ये जो मैंने नाम पढ़े हैं ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि वर्तमान में ये कहाँ पे है, मान लो मैप में इनमें से पांच जगह के नाम दे दिए, चौंदड़ो, बालाकोट और ये नागेश्वर वगैरह, बोलेंगे कि इसे मैप में भरो एग्जाम में, तो कैसे भरोगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में ये जगह जो उस टाइम पे थी, वर्तमान में ये किस राज्य में है। तो ये जो नागेश्वर है ये आज के टाइम पे गुजरात में है, बालाकोट वगैरह ये पाकिस्तान में, चौंदड़ो पाकिस्तान में, कोट दीजी जो है वो पाकिस्तान में है, धोलावीरा जो है वो गुजरात में, लोथल जो है गुजरात में, कालीबंगन जो है राजस्थान में, बनावली जो है वो हरियाणा में, राखी गढ़ी दोस्तों आपको कमेंट में लिख के बताना है कि राखी गढ़ी कहाँ पे है वर्तमान में, ये मैंने नहीं लिखा है, आपको इसका जवाब देना है। तो ये मैंने क्या बताया आपको, ये बताया कि हड़प्पा सभ्यता की किस काल में शुरुआत हुई थी, यानी 2600 से 1900, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों है और सिंधु सभ्यता क्यों है ये आप जान चुके हैं। दो प्रसिद्ध केंद्र कौन से थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये जान चुके हो, किसने शुरुआत करी थी मतलब ये खोज करी थी, दयाराम सहनी, रखालदास बनर्जी, ये जान चुके हो। जानकारी कहाँ से मिलती है, खुदाई से मिली, इमारतें, मृदभांड, ये सारी चीज़ें, कौन से उसके कुछ मेन स्थल थे, ये सारी हमने चीज़ें पढ़ी। इसके बाद दोस्तों मैंने आज मैं देख रहा था आपका जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें से मैंने कुछ समरी पढ़ देता हूँ। तो समरी से क्या हो जाएगा दोस्तों, समरी से हमारी जो पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में लेके आया करूँगा। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आप यहाँ से मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है वीडियो, ताकि मैं आगे और मेहनत करके और अच्छा बनाऊँगा। फिलहाल आप समझ लो इनके बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। ये देखते हैं दोस्तों यहाँ से कि हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी के घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसके बाद हम सीधा आते हैं यहाँ पे सेकंड पे। सेकंड में क्या है, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पे जहाँ पहली बार संस्कृति, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि पहली बार हड़प्पा नामक जगह पे इस संस्कृति की खोज हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जो दो इसके प्रमुख केंद्र है वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किसने खोज करी थी, 1921-22 में करी थी, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने करी थी। किसके नेतृत्व में करी थी, ये सर जॉन मॉर्सल अंग्रेज थे, इनके नेतृत्व में की थी। आगे है हड़प्पा सभ्यता का काल 2600-1900, ये सारा मैं बता चुका हूँ, मैं मेन चीजें लेता हूँ। हाँ ये लेते हैं सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विस्तार कैसे था। तो इसका विस्तार था, अगर हम देखें तो अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। अफगानिस्तान हो गया, जम्मू कश्मीर तो हमारे में है, बलूचिस्तान आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी यहाँ तक ये फैली हुई थी। प्रमुख स्थल नागेश्वर, बालाकोट, चौंदड़ो ये मैंने अभी बताया, मैंने ये भी बताया कि कहाँ पे है वर्तमान में। नौवें पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, नोवा जो पॉइंट है इसमें ये है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। हाँ ये याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये एक नगरीय सभ्यता थी। और इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि इसके बाद एक सभ्यता आई थी वैदिक सभ्यता, वो आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो आपको जब आप बीए फर्स्ट ईयर में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, वहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना कि ये नगरीय सभ्यता है, लेकिन इसके बाद में जो आई थी वैदिक सभ्यता वो एक नगरीय सभ्यता नहीं थी, वो कौन सी सभ्यता थी, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो ये है नगर निर्माण योजना, यानी कि यहाँ पे नगर वगैरह जो शहर बसे हुए थे बहुत ही अच्छे तरीके से बसाए गए थे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। इसके बाद देखो दोस्तों 10वां पॉइंट आप देख रहे हैं अपने उसमें स्क्रीन पे, और 10वें पॉइंट में हम देखेंगे कि किस तरीके से मतलब ये है। 10वें पॉइंट में दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियाँ थी दो भागों में बटी थी, एक तो दुर्ग था, दूसरा निचला शहर था। इसके बाद हम पढ़ते हैं 11वें पॉइंट को। 11वें पॉइंट में क्या है दोस्तों, निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, तथा जो दुर्ग हो जाएगा वो बनी संरचनाओं को प्रस्तुत करेगा। फिर है 12वां पॉइंट, 12वां पॉइंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या था कि सड़कों
यहाँ से मैं हाईलाइट करता हूँ, सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, यानी 90 डिग्री के एंगल पे वो एक दूसरे को काटती थी। जल निकास प्रणाली यहाँ पे बहुत अद्भुत थी क्योंकि घरों की जो नालियाँ होती थी गली की नालियों से जोड़ा जाता था, और नालियाँ जो होती थी पक्की ईंटों की बनाई गई होती थी। और इसमें एक चीज़ ये भी था कि पहले ना सड़क और नालियाँ बनाई गई थी, उसके बाद उसके साइड साइड में घर बनाए गए थे। और फिर एक चीज़ ये है कि यहाँ पे फसलें कौन सी थी, तो यहाँ पे हमें देखेंगे तो अनाज हमें मिला है गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, ऐसे खाद्य पदार्थ मिले। फिर ये पूछे भाई हड़प्पा सभ्यता में कौन से जानवरों को पाला जाता था या कौन से जानवर थे उस टाइम पे, तो ये भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, ये सारे जानवर क्या थे उस टाइम पे, अंदाजा ऐसा लगाया गया है। फिर हड़प्पे में पाए जाने वाली जो लिपि है, वो जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है, और उसको आज तक पढ़ नहीं सके हैं, कोई पढ़ नहीं पाए, इसीलिए हमें मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि हम पढ़ नहीं सके हैं। जो भी हमें मतलब पूरा पुराना वस्तुएं मिली, हमने सिर्फ उनसे एक अंदाज़ा लगाया है। फिर इसके बाद है हड़प्पा जो लिपि है वो दाई से बाई ओर लिखी जाती है, यानी राइट साइड से लेफ्ट की ओर जाती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे उर्दू लैंग्वेज लिखते हैं राइट से लेफ्ट, ऐसे लिखी जाती थी। और संख्या जो चिन्हों की संख्या थी वो 375 से 400 के करीब थी। आगे हड़प्पा सभ्यता में बाट, हाँ बाट का प्रयोग ऐसा माना गया कि यहाँ पे बाट का प्रयोग होता था आभूषण व मनकों को तोड़ने के लिए, और ये जो बाट होते थे वो चर्ट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। फिर इसके बाद है जैसे 20वां पॉइंट है कार्नीलियन मन के, कार्नीलियल, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्टर, सैलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा जैसी धातुओं, तथा संघ फयांस तथा पक्की मिट्टी के बने होते थे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमें जाननी है। क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और आगे देखते हैं 21वां, मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था हड़प्पा स्थलों में। हाँ यहाँ पे सावधान के कुछ तरीके अलग थे, जैसे यानी अंतिम संस्कार होता है ना, तो अंतिम संस्कार में क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे ना व्यक्तियों के साथ वो कुछ सामान जैसे मृद भांड वगैरह अवशेष मिले हैं उससे पता लगता है कि वो कुछ सामान भी उनके साथ रख देते थे, शायद वो पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे या जो भी रहा हो रीज़न ये था। फिर आखिरी जो 23वां पॉइंट आपको दिख रहा है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश के कारण, विनाश क्यों हो गया, इतनी अच्छी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, इतनी अच्छी से बसी हुई थी, फिर कैसे विनाश हो गया, तो इसके कुछ पॉइंट बने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत आता है। जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया हो, या एक ऐसा अंदाजा लगा है कि वनों की अधिक कटाई हुई हो उसकी वजह से हुआ, या फिर ऐसा अंदाजा लगा है कि बाढ़ और नदियों के सूख जाने के कारण हुआ, या नदियों के मार्ग बदलने के कारण हो गया हो, या फिर क्या हो गया कोई भूकंप वगैरह आ गया हो यहाँ पे, या कोई बाहरी आक्रमण हुआ, तो इनके कारण ऐसा माना जाता है कि ये जो सभ्यता थी ये समाप्त हो गई। तो ये मैंने दोस्तों कुछ इसकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो हमें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें मैंने बताई हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट चैप्टर पे आने से पहले बड़े चैप्टर हैं, एक एक चीज़ को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को पहले समझ लेंगे। अब आगे से मैं वो क्वेश्चन लेके आऊँगा खाली जो कि मतलब लास्ट ईयर में आए हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चनों में क्या हो जाएगा दोस्तों, चैप्टर भी पूरा कवर हो जाएगा, एक एक चीज़ आपको अच्छे से पता लग जाएगी। तो ये मैंने पहला प्रयास करा है, और ये मैंने एक डेमो लेक्चर बनाया था ताकि मतलब आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ले सके पहले चैप्टर के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट में लिख के बताएं, और सेकंड पार्ट का वेट करें, सेकंड पार्ट में मैं आपको सारी चीज़ें कवर करा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।